देखिए, जब तक ये ईवीएम का चुनाव होगा, मोदी जी का मैनेजमेंट चलता रहेगा, और जब वो बैलेट पेपर का चुनाव आएगा तो मोदी का मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति जनता का जो भरोसा है वह इन राज्यों का चुनाव बताता है। आज भी प्रधानमंत्री जी और योगी जी पूर्णतः खड़े हैं। एक दो रिजल्ट से देश की और समाज की चिंताएं नहीं, उसके मुद्दे देश हित में नहीं ऐसा हम मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद जनता उसको वोट देती है, तो इस पे सोचना चाहिए। पांच राज्यों के चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। रुझानों में भारतीय जनता पार्टी चार राज्यों में आगे चल रही है और सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जो रुझान इस वक्त तक आई है उसमें बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार यूपी में फिर से बनाते दिख रही है। इसको लेकर बिहार में भी सियासत तेज है। कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब बैलेट पेपर खुलेंगे तब आंकड़े और रुझान कुछ और बदलेंगे। हालांकि कांग्रेस की तरफ से ये साफ किया गया है कि कांग्रेस की जो स्थिति हुई है, शीर्ष नेतृत्व पर भी सवाल खड़े होते आ रहे थे। कांग्रेस के विधायक हैं शकील अहमद, उन्होंने भी कहा है कि चुनाव में जो परिणाम है हार जीत होते रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को मजाल है। और साथ ही राष्ट्रीय जनता दल कह रही है कि जो आंकड़े हैं वो थोड़ी देर के बाद जब बैलेट बॉक्स खुलेंगे तब बदलेंगे। इसको लेकर कांग्रेस के विधायक शकील अहमद और आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। ये बीजेपी को पूरा कड़ा बहुत प्रचंड बहुमत मिल रहा है यूपी में। देखिए, जब तक ये ईवीएम का चुनाव होगा, मोदी जी का मैनेजमेंट चलता रहेगा, और जब वो बैलेट पेपर का चुनाव आएगा तो मोदी का मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा। जब गरीबों का मोहर उस पर पड़ेगा, मैनेजमेंट का नहीं रहेगा, तो हमारी सरकार रहेगी बीजेपी के खिलाफ वाली खास सरकार। अभी भी उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी लीड करेगी बैलेट पेपर के जब बक्से खुलेंगे। देखिए, बैलेट पेपर हम तो आज भी कह रहे हैं, हम लोग की मांग पहले भी थी कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए, लेकिन ईवीएम का मैनेजमेंट है मोदी जी का, और मोदी जी मैनेजमेंट करके चुनाव जीतते हैं ईवीएम से, और आज यही हो रहा है। जिस प्रकार के कार्य माननीय योगी जी कर रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति जनता का जो भरोसा है वह इन राज्यों का चुनाव बताता है कि उस भरोसे पर आज भी प्रधानमंत्री जी और योगी जी पूर्णतः खड़े हैं। और गरीबों की सेवा करने का लक्ष्य जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने लिया है, तो गरीब भी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देना कभी नहीं भूलते हैं। उत्तर प्रदेश में एक पूरी लड़ाई, छद्म युद्ध लड़ा गया था, जिसमें संविधान से लेकर के जातीय समीकरण बनाने से लेकर सोशल मीडिया में झूठे प्रचार का सहारा लिया गया था। जनता ने इन सब प्रचारों को, मिथ्या प्रचारों को तोड़ते हुए अपना फैसला लिया। जब भी हार की बारी है तो विपक्ष के पास एक पास मुद्दा रहता है, ईवीएम का मुद्दा। अखिलेश ने भी ईवीएम का मुद्दा उठाया, कहाँ तक जाएगा? जब बंगाल में रिजल्ट के पहले भी ईवीएम का मुद्दा था, पंजाब में भी ईवीएम का मुद्दा रहता है। जब हम जीतते हैं तो जाहिर बात है कि अपनी कमजोरी छिपाने के लिए ये लोग यही सब मुद्दा उठाते हैं, और हमें भी खुशी मिलती है क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि ये लोग इसी तरह के बेकार के मुद्दे उठाएं और हम शांति से जनता की सेवा करें। पंजाब में एक बार फिर से पीछे, कहाँ कमी कहाँ रह गई पंजाब में? पंजाब हम लोगों के लिए बिल्कुल नया प्रदेश था, अकाली दल के भरोसे हम सदैव रहते थे, और पहली बार हम अपना गए फील्ड में, और पिछले बार से 3 सीटें हमें ज़्यादा ही मिली हैं, पर पंजाब में यह चुनाव हमारे नींव का पत्थर साबित होगा, जिस पे 5 वर्ष बाद हम निश्चित तौर पर एक अच्छा मकान बनाएंगे। मुद्दे जो हैं वो बचे हुए हैं और वो बचे रहें, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे करप्शन का मुद्दा हो, यह बचे रहेंगे, और उस पे मुस्तैदी से हमारी पार्टी को और मजबूती के साथ, या जो भी विपक्ष में है उनको और मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा। यही हार के लिए, इस 5 राज्य में हार के लिए जिम्मेवार कौन, राहुल या प्रियंका? किसी भी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व होता है वो अपनी पूरी मुस्तैदी और जिम्मेदारी के साथ और मेहनत और लगन लगाता है, वो आप लोगों ने विटनेस किया है, तो वो तो कलेक्टिव लीडरशिप होती है, और कलेक्टिव लीडरशिप हर स्टेट की होती है, हम सब लोग होते हैं तो जिम्मेदार सब लोग होते हैं, इसलिए इस बात का किसी एक व्यक्ति को दोषारोपण करने की आवश्यकता नहीं है। प्रियंका का जादू क्यों नहीं चला यूपी में? आप जानते हैं कि प्रियंका जी ने जिस तरह से मेहनत की है वहाँ,
वो आप सब लोगों के जग जाहिर है। तो एक दो रिजल्ट से देश की और समाज की स्थिति तय नहीं होती। पंजाब में भी समाज सरकार थी लेकिन वहाँ कोई बात नहीं, कहीं पे समाज कहीं पे सरकार रहती है कहीं चले जाते हैं। ये तो लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में जनता जिस पार्टी को मानती है और जिस पार्टी को वोट देती है तो हम जनता को साधुवाद देते हैं, इसमें कोई ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमने कहा कि ये जिम्मेदारी और जिम्मेदारी और मुस्तैदी के साथ हम सब लोगों को फील्ड में उतरना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, अपने बिल्ट अप प्रोसेस को मजबूत करना पड़ेगा, ये तो आवश्यक है। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। जनता जो है, जनता अपना भरोसा अपने तरीके से देती है, उसको हम धन्यवाद देते हैं। ये तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारी जिम्मेदारियाँ और बढ़ी हुई हैं क्योंकि इन जीत से बेरोजगारी खत्म नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी का एग्जिस्टेंस भाई भारत नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपने जिस एग्जिस्टेंस के लिए लड़ी है, जो उसके मुद्दे हैं वो उसको आगे रखती है। उसके मुद्दे देश हित में नहीं ऐसा हम मानते हैं, उसके मुद्दे देश हित में नहीं ऐसा हम मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद जनता उसको वोट देती है, तो इस पे सोचना चाहिए।